नमस्ते आचार्य जी। आपको मैं 1.5 साल से सुन रही हूँ और काफ़ी बातें समझ में आने लगी हैं। काफ़ी जिससे आप झूठ भ्रम कहते हैं वो समझ में आने लगा है। मेरे सवाल मेरी ज़िंदगी के बारे में है। मेरी 6 साल की बेटी है। उसके मन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मैं काफ़ी कंसर्न रहती हूँ। आपके वीडियोस सुनने के बाद मैं खुद भी ना तो मैं पॉपुलर कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, गाने वगैरह उसको भी मैं वो नहीं करने देती। बट 6 साल की उम्र काफ़ी छोटी होती है, तो मुझे लगता है मैं उससे कौन सा कंटेंट कंज्यूम कराऊँ, क्या कराऊँ कि वो अपनी ज़िंदगी में एक एक सच्चाई भरी ज़िंदगी का एक बेस बने। दैट इज़ वन क्वेश्चन। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मी। मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मैं जॉब भी कर रही हूँ। आई एम अ वाइफ, डॉटर इन लॉ। तो आई फाइंड माई सेल्फ सैंडविच, स्ट्रेस्ड आउट टू फुलफिल द मल्टीपल रोल्स। तो मुझे मुश्किल से एक क्षण भी शांति का नहीं मिल पाता है दिन में। तो आई फाइंड ऑल दिस वेरी ओवरवेलमिंग एज एन इंडिविजुअल। तो सर उसमें वांटेड योर सजेशन। थैंक यू। जो पहला सवाल है बेटी के विषय में, 6 वर्ष की अवस्था बिल्कुल सही समय है जब आप उसका बोध साहित्य से परिचय कराएं। बिल्कुल उचित उम्र है ये। और ऐसे साहित्य कि बिल्कुल भी कमी नहीं है जो उसके बहुत काम आ सकता है, खासकर बच्चों के लिए किताबें लिखी गई हैं जिनका उद्देश्य ही है बच्चों में समझ को, चेतना को विकसित करना। आप पंचतंत्र से, हितोपदेश से शुरुआत कर सकती हैं। अगर बच्ची समझदार हो तो अभी नहीं तो कहिए 2 साल बाद, जो साधारण कथाएं हैं विशिष्ट बालक बालिकाओं की भारतीय परंपरा में, उनसे उसका परिचय कराया जा सकता है। पांचवी में 10 वर्ष का हो जाता है बच्चा, उस समय पर मैंने उपनिषदों की कथाएं पढ़ी थीं और जितनी भी समझ में आई थी, प्रभाव गहरा पड़ा था। और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आई थी, मुझे आई थी तो और बच्चों को भी आ सकती हैं। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी जीवनियाँ और कथाएँ, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य में या खेल में, इनमें भी जो उल्लेखनीय नाम हैं उनसे बच्चे का परिचय कराना शुरू कर देना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि 6 वर्ष का बच्चा छोटा होता है, वो छोटी नहीं है। अब देखिए, ऐसे ही देख लीजिए कि 5, 6 या 7 साल के बच्चों के लिए इंटरनेट पर कौन सा कंटेंट उपलब्ध है, और वो कंटेंट आप देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि वो बच्चों की सामग्री तो नहीं है।
तो अगर बच्चे उस तरह की सामग्री आजकल देख रहे हैं, सोख रहे हैं, तो कुछ बेहतर और सुंदर और अच्छा भी वो समझ सकते हैं, सोख सकते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में ये एक बड़ा विचित्र तर्क चलता है कि कोई भी मन को साफ करने वाली, चेतना को बढ़ाने वाली बात हो तो उसको हम कह देते हैं, अरे अभी तो बच्चा है, ये तो बड़ों की बातें हैं, इसके लिए थोड़े ही हैं, या कि इन बातों के लिए तो अभी ज़िंदगी पड़ी है, अभी से ये क्यों तुम भारी और गंभीर बातें बच्ची को बता रही हो, इस तरह के तर्क दे दिए जाते हैं। और जितनी भी मूर्खतापूर्ण और जीवन को बर्बाद करने वाली, मन को खराब करने वाली बातें हैं, उनमें हम कभी ये तर्क या शर्त नहीं लगाते कि अरे ये तो बच्चा है, उसको ये सब क्यों दिखा रहे हो। घरों में बच्चे होते हैं छोटे, टीवी चल रहा होता है और टीवी पर जो कुछ आ रहा होता है, क्या वो बच्चों के मन के लिए सेहतमंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर अभिभावक या अन्य लोग ऐसा तर्क दें कि बच्चे को ये सब चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं, या ये सब अगर घर में चलना भी है तो बच्चा उस जगह पर मौजूद क्यों है, कभी नहीं देखा होगा। फिल्म आ रही है टीवी पर, माँ बाप देख रहे हैं, बच्चा भी बीच में बैठा है, वो भी देख रहा है, ऐसा ही तो होता है। और फिल्मों की क्या बात करें, जो आजकल समाचारों का स्तर हो गया है, न्यूज़ का कोई चैनल चल रहा है और बच्चा वहाँ बैठा हुआ है और सब बिल्कुल बेखबर है, कोई थोड़ा भी नहीं सोच रहा कि ये सब जो वो सुन रहा है उसका बच्चे पर असर क्या हो रहा होगा, और बड़ा घातक असर हो रहा होता है। तो तब हम नहीं कहते कि बेकार की और बुरी चीज़ें देखने की उसकी उम्र आ गई क्या, तब हम उम्र की कोई सीमा नहीं लगाते। तो ये देखिए हमारा कैसा बेहुदा तर्क रहता है ना, बेकार और बीमार कर देने वाला माल ग्रहण करने के लिए उम्र की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। बच्चा 3 साल का हो, 6 साल का हो, 9 साल का हो, घटिया माल उसको खिलाते चलो और उस वक्त मत पूछो कि अरे ये तो इतना छोटा है, हमने इसको ये सीरियल क्यों दिखाया, ये वेब सीरीज़ क्यों दिखाई, या इस तरह का समाचार का चैनल क्यों सुनाया। तब हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर भी तो एक न्यूनतम उम्र की शर्त होनी चाहिए, तब हम नहीं कहते। लेकिन जब हम कह दें कि बच्चे को आप बता दीजिए थोड़ा सा कि श्वेत केतु कौन था, या चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, या मारी क्यूरी के बारे में कुछ बता दीजिए, हाँ, या शिवाजी की ही कहानियाँ सुना दीजिए, किस तरह से वो औरंगजेब के चंगुल से निकल करके भागे थे, रोचक कहानी है। अमर चित्र कथा मैं बचपन में पढ़ता था, उसमें कहानी होती थी कि कैसे पकड़ लिए गए और फिर चतुराई से निकल करके भागे, बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब बातें जब बच्चों को बताने का वक्त आता है तो हम कह देते हैं अरे अभी तो छोटा है, और टीवी पर हम उसको हिंसा और सेक्स और बदतमीजियां और व्यर्थताएं दिखाते रहते हैं, तब हम नहीं कहते कि बच्चा अभी छोटा है। और टीवी की भी बात नहीं है, रेडियो में भी वही आ रहा होता है सब, और रेडियो की भी बात नहीं है, घर में माँ बाप कैसी बातें कर रहे हैं, या दादा दादी कैसी बातें कर रहे हैं, सगे संबंधी यार दोस्त, वो सब जो बातें हैं, क्या वो बच्चे के लिए सेहतमंद है? तब हम नहीं कहते कि अभी छोटा है, अभी इसको ये सब नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं जब भी कह दूंगा कि अब बच्चे को ईसॉप्स फेबल्स पढ़ाना शुरू कर दो, तो कई बार एक प्रत्युत्तर में तर्क आता है कि अरे आचार्य जी आप क्या, बच्चा बहुत छोटा है, अभी से उसे ईसॉप की कहानियां कैसे पढ़ा दें, उसे छोटा मत मानिए। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा साहित्य है और उपलब्ध भी है, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत खोजना इत्यादि पड़ेगा, इंटरनेट का समय है, सब मिल जाता है। बल्कि जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, शायद किताबों की एक ऐसी सूची मैंने स्वयं भी बनाई हुई है, खोजनी पड़ेगी कहाँ है, जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। और अब तो ऑडियो बुक्स भी होती हैं और डिजिटल संस्करण होते हैं,
टेक्नोलॉजी के लाभ भी हैं, उनका लाभ भी उठाइए, ठीक है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहला काम ये नहीं होता कि जो सही है वो परोस दो, पहला काम होता है कि जो गलत है उस पर अंकुश लगाओ। हाँ, अंकुश लगाने के साथ साथ फिर जो सही है वो बच्चे तक लेकर के भी आना है, ठीक है। तो आचार्य जी, इस उम्र के बच्चों में इतना सेल्फ डिसिप्लिन तो नहीं होता कि वो बैठ के ऑडियो बुक पढ़े या फिर किताब पढ़े, क्या पेरेंट्स को ही पूरा एफर्ट उसमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इज देयर एनी अदर टेक्निक? देखिए, आमतौर पे जो किताबें लिखी जाती हैं इस उम्र के बच्चों के लिए, वो लिखी ही रोचक तरीके से जाती हैं, वो लिखी ही इस तरीके से जाती हैं कि उनमें छवियां भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, और उनका जो पूरा प्रस्तुतिकरण होता है वो बच्चे के मन और सुविधा के अनुसार होता है। तो आमतौर पर ऐसी कोई विशेष ज़रूरत पड़ती नहीं है कि उसके अभिभावक ही उसके पास बैठ करके उसको पढ़ाएं। अपना बचपन याद कर रहा हूँ तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ज़्यादा कि मुझे कोई बैठ के किताबें पढ़ाएगा तो पढ़ूंगा, तो खुद ही बड़ा मज़ा आता था, तो अपना बैठ के पढ़ते रहते थे, तो किताबें भी ऐसी ही होती थी। धन्यवाद है उनके लेखकों को और प्रकाशकों और संपादकों को कि उन्होंने इस तरह की किताबें प्रकाशित करी थी, लिखी थी, तो ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आवश्यकता हो तो माँ बाप को ऐसा करना भी चाहिए, यही तो धर्म है। बच्चा आप संसार में लेकर के आए हैं, और आप अगर पाएँ कि बच्चे का सही दिशा में रुझान स्वभावतः नहीं बन रहा है, तो उसको सहारा तो आपको देना ही पड़ेगा, आप माँ हैं। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होने लगे, तो लगभग 9-10 वर्ष की उम्र तक पहुंचने लगे, तो कृष्णमूर्ति साहब की कृष्णमूर्ति फॉर द यंग करके सीरीज़ है, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो तब है जब थोड़ी सी बच्चे में परिपक्वता आने लग जाए। और भी बहुत कुछ है, मतलब मैं थोड़ा सा स्मृति पे जोर डालूँगा तो बहुत सारा साहित्य है जो है ही बाल्यकाल के लिए। बच्चों की फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की फिल्में होती हैं, उनके पूरे के पूरे कैटलॉग आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रेमी लोगों ने अपनी सद्भावना में, अपने स्नेह में बच्चों के लिए बहुत अच्छी सामग्री विकसित करी है, उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया, मैं उसको फिल्मी गाने या फिल्मों से तो या टीवी से तो दूर रख रही हूँ, बट इट्स डिफिकल्ट टू कीप हर अवे फ्रॉम सेल फोन्स। तो फिर क्या बचा? सेल फोन में तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड सब कुछ है, फिल्मों से कैसे दूर रख लेंगी आप? तो 6 वर्ष के बच्चे को फोन से दूर रखना इतना मुश्किल है क्या? वो वाला फोन दे दीजिए जिसमें पुराना नोकिया का आता था, जरूरी थोड़ी है कि स्मार्टफोन दिया जाए। देखिए, ये तो लापरवाही है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे की तो वृत्ति ही होती है फ़ोन की तरफ जाने की, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फ़ोन हमारे हाथ से ऐसा चिपक गया है, घर में इतना ज़्यादा दिखाई देता है, दिनचर्या का इतना हिस्सा है कि बच्चा जब देखता है कि घर के बाकी लोग फ़ोन में ही लगातार घुसे हुए हैं, तो वो भी आकर के मांगता है कि इसमें क्या है कि दिखाओ। लेकिन उसी फ़ोन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, इतनी तरह की सेटिंग्स होती हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका सदुपयोग किया जा सकता है कि बच्चा जब भी फ़ोन को ले हाथ में
तो उसके लिए कोई अच्छी चीज़ ही खुल जाए, उसमें सही सामग्री उसमें आप डाउनलोड करके रख दीजिए, इंटरनेट उसमें कनेक्शन दीजिए ही मत, और बहुत सारा उसमें सैकड़ों डाउनलोडेड फाइल्स आप रख दीजिए कि बच्चे के हाथ में जब भी फ़ोन आएगा तो कोई ना कोई जो डाउनलोडेड फाइल हो बस उसको ही प्ले कर सकता है, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। और वो जो डाउनलोड है वो आपने कराया तो अच्छी ही चीज़ है, तो बच्चा उसको देखेगा तो बढ़िया रहेगा उसके लिए, और उसको ये शांति भी रहेगी कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ। आचार्य जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अपने बारे में कि फॉर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स ऑफ अ मदर, ऑफ अ प्रोफेशनल, ऑफ अ वाइफ, और फिर अपने इंडिविजुअल ग्रोथ को भी परस्यू करना, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग, शांति नहीं मिल पाती। और पीछे की तरफ जो बहुत ज्यादा आवाज कर रही है, हवा चल रही है क्या? सो या आचार्य जी, माय क्वेश्चन वाज कि आई एम फाइंडिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव टू प्ले, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। एंड या आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सो डूइंग अ जॉब एंड बीइंग अ गुड मदर एंड बीइंग एंड प्लेइंग अदर रोल्स, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग, एंड ऑल्सो टू वर्क ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ। तो वॉट वुड योर एडवाइस बी टू ईज आउट द प्रेशर? जो कुछ ज़रूरी हो वो तो करना पड़ेगा, जो ज़रूरी नहीं है उसका लालच छोड़ के त्यागते चलिए। ये जो आपने कहा ओवरवेलमिंग, यही तो चीज़ है ना, कि 10 चीज़ें आ गई हैं अपने सर पर, और समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है, तो आप ओवरवेलम्ड अनुभव करती हैं। उन 10 में से कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो करनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं, उनको किसी भी हालत में त्यागिए मत, और उनमें कुछ ऐसा भी होगा जो त्यागा जा सकता है, उसको छोड़िए। फिर उसको त्याग इसलिए नहीं रहे क्योंकि उससे जुड़े हो सकता है कुछ फ़ायदे हो या ज्ञान हो, सुविधा हो, उसका लालच छोड़िए। और अगर ऐसा है कि जीवन में जो कुछ है वो सभी परम आवश्यक है, तो फिर तो जो भी दिक्कत हो, मुसीबत हो, उसको सहते हुए आप अपना काम करते रहिए, जीवन यज्ञ में आहुति देते रहिए। देखिए, एक साधारण सा मैं आपको सूत्र कह देता हूँ। जिंदगी परेशान तो करती ही है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि अरे ज़िंदगी तो फूलों की सेज है और हवा जैसी हल्की है। ज़िंदगी सबके लिए भारी है, सबके लिए कांटा है। प्रश्न ये है कि क्या करते हुए आपको तकलीफ़ हो रही है। वज़न सबने उठा रखा है, प्रश्न ये है कि कौन सा वजन उठा रखा है आपने। ओवरवेलम्ड सभी रहते हैं, लेकिन जब आप सही काम करते हुए अपने आप को हताश, अवाक, या थका हुआ पाते हो, तो बात बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत दूर तक नहीं जाती। प्रेम सारी पीड़ा, हताशा सब हर लेता है। सही काम कर रहे हैं ना, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, 5 दिशाओं से दबाव आ रहा है,
लेकिन काम अच्छा है और चूंकि अच्छा है इसीलिए प्यार है, तो फिर आदमी सब कुछ झेलता चला जाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, झेलना सबको पड़ता है, चाहे आप चोर हो कि पुलिस, अच्छा काम करते हो कि बुरा काम करते हो, चिकित्सक हो कि मरीज, राजा हो कि रंक, साधु हो कि शराबी, आप कोई भी हो, जिंदगी तो ऐसी चीज है कि वो सभी को परेशान करके रखती है। सही परेशानी चुनिए। सही परेशानी का फायदा ये होगा कि बार बार ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि त्यागें या न त्यागें, काम करते रहें कि छोड़ दें। सही परेशानी की निशानी ये होती है कि आप कितना भी परेशान हो जाएं, ये विचार, ये विकल्प कभी आपको नहीं आता कि सारा झंझट छोड़ छाड़ के खत्म ही करो ना। आप चिढ़ सकते हैं, आपका सरदर्द हो सकता है, आप बड़बड़ कर सकते हैं, आप झुंझला करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप न कभी कहेंगे, न करेंगे, न सोचेंगे कि मैं इस पूरे झंझट का अंत ही कर देता हूँ, मुझे ये काम करना ही नहीं। ऐसा विचार उठेगा भी तो बहुत अल्प अवधि के लिए उठेगा, उसमें कोई जान नहीं होगी। ये सही काम का, सही परेशानी का फायदा होता है। तो ऐसी तो कभी कोई स्थिति जिंदगी में आएगी नहीं कि परेशानियां खत्म हो जाएं। जिंदगी आधे से अंत तक परेशानी मात्र है। सही परेशानी चुनिए। ओवरवेलम अगर होना ही है तो सही रास्ते पर जो दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने होइए। ठीक है, मुझे मालूम नहीं कि मैं कुछ कह पाया हूँ या नहीं, या आपके कुछ लाभ की चीज़ है या नहीं, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसके अतिरिक्त कुछ कह नहीं सकता आपको। इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल, और आपकी वीडियोज से मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है, एंड ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच।